क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में बात कर रहे थे। द्रव्य तरंगे और उनका द्वैत स्वरूप। तो जो कुछ प्रभाव हमने पहले परिभाषित किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसी तरह का एक तीसरा प्रभाव क्वांटम स्कैटरिंग है। एक एक्सपेरिमेंट में इसे ऑब्जर्व किया गया क्वांटम साइंटिस्ट के द्वारा, और उन्होंने इस स्कैटरिंग के बारे में बताया जो क्लासिकल मैकेनिक्स के डिस्क्रिप्शन से संभव नहीं है। चिरसम्मत यांत्रिकी से इसका कोई भी विवरण हम प्राप्त नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। क्वांटम स्कैटरिंग में किसी बाउंड इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन इंसिडेंट किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे इंसिडेंट की जाती हैं। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रभाव से यह इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और यह किसी अलग पथ पर मूव करता है, जिसे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और स्कैटर्ड फोटोन यहाँ पर अलग पथ पर गति करता है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो इंसिडेंट फोटोन है, आपतित फोटोन की अगर ऊर्जा हम लिखें तो E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर न्यू आवृत्ति होती है। जब यह इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो कुछ ऊर्जा इसे देगा, जिससे यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो सके और बची हुई ऊर्जा का फोटोन स्कैटर्ड फोटोन के रूप में हमें प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ से यहाँ पर जो फोटोन है, इसकी ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात इनकी आवृत्ति में कमी आती है। और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का संबंध आप जानते हैं, तो तरंग दैर्ध्य में इसमें वृद्धि होती है। यानी यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है इंसिडेंट फोटोन की, वो हमारे पास कुछ अलग हो जाएगी। यहाँ पर जैसा आप चित्र से भी देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर नीले रंग का प्रकाश इंसिडेंट करें तो हमें यहाँ पर लगभग लाल कलर का प्रकाश मिलता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे क्वांटम शिफ्ट कहा जाता है। मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद क्वांटम शिफ्ट इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। यह अंतिम तरंग दैर्ध्य, यह प्रारंभिक तरंग दैर्ध्य, इनका अंतर पुनः हम देखें, अंतिम तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। हालांकि ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। इसी बढ़ी हुई तरंग दैर्ध्य को डेल्टा लैम्डा, इसे क्वांटम शिफ्ट कहा जाता है। यह हमारे पास इस तरह से आती है, H/m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू सी 1 cos θ, जहाँ थीटा हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन की दिशा है, जिस दिशा में फोटोन स्कैटर्ड हो रहा है वह है। यह क्वांटम स्कैटरिंग का प्रोसेस और प्रयोग के रूप में जब इसे किया जाता है, तो ये कोलिज ट्यूब जो एक्सरे का उत्पादन करती है, आप जानते हैं एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के फोटोन हैं। कार्बन टारगेट पर इंसिडेंट होने के बाद यह 90 डिग्री से घूमकर इस कैल्साइट क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है, और यहाँ से इस यहाँ पर इस कैल्साइट क्रिस्टल में यह प्रोसेस क्वांटम स्कैटरिंग का होता है। यहाँ से ये स्कैटर्ड फोटोन की दिशा जाती है, जिसे हम आयनर प्रकोष्ठ आयनाइजेशन चैम्बर से इंडिकेट कर लेते हैं। और जो फोटोन यहाँ पर प्रकीर्णित होकर आ रहे हैं, स्कैटर्ड फोटोन जो यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए ऊर्जा का वक्र जब बनाया जाता है तो वो हमें इस तरह से प्राप्त होता है। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारे पास इस तरह से है, और जो
क्वांटम स्कैटरिंग यहाँ इस तरह से होती है, ये क्वांटम शिफ्ट है। जैसा कि हमने देखा क्वांटम स्कैटरिंग में ऊर्जा में कमी आती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन टक्करों में, जिन स्कैटरिंग में, प्रकीर्णनों में ऊर्जा स्थिर रहती है उन्हें प्रत्यास्थ टक्करें या प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक स्कैटरिंग। यहाँ पर ऊर्जा में कमी आ रही है इसलिए क्वांटम स्कैटरिंग इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। फोटॉन्स की एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा, जैसा हमने डिस्कस किया, ऊर्जा इसकी कम होती है, आवृत्ति कम हो जाती है और तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है क्वांटम इफेक्ट का। इसी का इनवर्स क्वांटम स्कैटरिंग भी पाया जाता है कई बार कई जगह पर, जहां पर आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को फोटोन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। ट्रांजिशन, जैसा कि आप देखते हैं स्पेक्ट्रम में, ट्रांजिशन में बिल्कुल यही होता है। चार्ज पार्टिकल उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर गमन करता है और वो अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह से उत्सर्जित करता है, जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रूप में मिलती है। तो जो मुख्य बात इसमें यह है कि तरंग दैर्ध्य में जो बढ़ोतरी होती है वो क्वांटम शिफ्ट कहलाती है। जिस समय यांत्रिकी के अनुसार कभी भी कोई तरंगे, जैसा प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी था, चिरसंबद्ध यांत्रिकी के अनुसार कभी भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी भी बद्ध कण को मुक्त नहीं करवा पाती है। लेकिन जब हम तरंगों की द्वैत प्रकृति लेते हैं, जिसमें हम तरंगों को तरंग की तरह से और तरंगों को ऊर्जा पैकेट की तरह से ले रहे हैं, ऊर्जा पैकेट को हम कण प्रकृति भी कहते हैं, तो जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति लेते हैं तो इस तरह के प्रभावों को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यह प्रभाव हो रहे हैं इसलिए इनका एक्सप्लेनेशन देना, इनका कहीं ना कहीं विवरण देना, ये क्यों हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, ये विवरण देना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति को मान्यता दी गई है। थैंक यू।